मेरा नाम प्रोमित सिंह है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ डिमासा स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल कमेटी का और डिमासा से। तो आज हम लोग यहाँ पे धरना कम रैली किया है जो ऑटोनोमस स्टेट को लेके है। ये पहली दफ़ा नहीं है, पिछले 32 सालों से डिमासा और कार्बी आंगलोंग का जितना भी जनता है ये इस मांग को लेके आए हैं। और ये संवैधानिक अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम लोगों का डिमासा और कार्बी आंगलोंग के लिए। ये क्योंकि भारत की संविधान में ये 244 ए का जो धारा है इसके मुताबिक हम लोगों को ऑटोनोमस स्टेट मिल सकता है, ऐसा भारत के संविधान में है। तो इस जो आंदोलन है ये हम लोग पिछले 32 सालों से करके आए हैं और अगर जब तक ये हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं होता है, ऑटोनोमस स्टेट का गठन नहीं होता है, हम लोग ये मांग को जारी रखेंगे, ये आंदोलन को जारी रखेंगे। एक डेमोक्रेटिक वे से, डेमोक्रेटिक की तरीक़े से हम लोग ये आंदोलन करते जाएंगे जब तक हम लोग को ये ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलता है। और ये हम लोग ये वादा जो किया था, जो आश्वासन दिया था माननीय श्री राजनाथ सिंह जी 2008 में डोगमका में आके, तब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि जब वो लोग सत्ता में आए जाएंगे तो हम लोग का जो मांग है ऑटोनोमस स्टेट का, जो एक आसाम का सबसे पुराना एक आंदोलन है, जो मांग है इसको जब सत्ता में आएंगे तो ये फुलफिल करेंगे, ऐसा आश्वासन भी दिया था, वादा किया था। लेकिन चुनाव के बाद अभी हम लोग का ये जो आश्वासन था ये अभी कुछ इसका मुद्दा अभी तक नहीं उठाया है और हम लोगों को किसी भी अभी तक टॉक्स में नहीं बुलाया है। तो हम लोग बहुत ही अभी दुखद स्थिति में है क्योंकि ये हमारा मांग एक जेन्युइन मांग है, एक संवैधानिक अधिकार है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना है और हम लोगों का डिमासा और कार्बी आंगलोंग को ऑटोनोमस स्टेट मिलना है। कौन से राज्य की मांग कर रहे हो आप? हम लोग ऑटोनोमस स्टेट असम के अंदर ही हम लोग का एक अलग राज्य जो ऑटोनोमस स्टेट है वो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, ये हम लोग का मिलने का, और इसके मांग हम लोग पिछले 32 सालों से करके आए हैं।